हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में फाइलोजेनी के बारे में पढ़ा था, कुछ थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनका ओरिजिनेशन कैसे हुआ, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसके बारे में कुछ थ्योरीज़ को हमने डिस्कस किया था। अब जो है हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशनरी थाट्स। यहाँ पर कुछ इवोल्यूशन से रिलेटेड ऐसे थ्योरीज़, ऐसे थॉट्स, ऐसे विचार देने वाले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कई प्रकार की थ्योरीज़ दी है, उसके बारे में हमें स्टडी करना है। और सबसे पहली जो थ्योरी है वो है डार्विन की, चार्ल्स डार्विन। आप सब आई होप नाम जानते होंगे और इनके बारे में सबने पढ़ा भी होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा फेमस अगर कोई यहाँ पे इवोल्यूशन के मामले में कोई साइंटिस्ट आता है तो वो चार्ल्स डार्विन का नाम आता है सबसे पहले। उनकी थ्योरीज जो है इवोल्यूशन के ऊपर, उसको सबने एक फेज़ में ज़रूर पढ़ा है। तो अब डार्विन की थ्योरी को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है डार्विनिज्म, और डार्विन ह्यूमन इवोल्यूशन या फिर जो ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशन है उसके बारे में अपने क्या विचार रखते हैं। तो डार्विन की थ्योरी बेसिकली यहाँ पर अगर अपन देखें तो पाँच अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है इनकी थ्योरी। इनकी जो टोटल थ्योरी है वो पांच अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक, सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे तो वो होगा ओवर पॉपुलेशन की थ्योरी। ओके, ओवर पॉपुलेशन या फिर आप देखो ओवर प्रोडक्शन, और ओवर प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स ही है तो एक तरह से ये हो गई ओवर पॉपुलेशन की थ्योरी। ओवर पॉपुलेशन या ओवर प्रोडक्शन आप बोलो, यहाँ पे इन्होंने बोला ओवर प्रोडक्शन की कई ऑर्गेनिज़म्स ऐसे हैं। ओवर प्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो यहाँ इन्होंने बोला कि कई ऑर्गेनिज़म ऐसे हैं, कई लोअर ऑर्गेनिज़म ऐसे हैं जो कि कई ऑफस्प्रिंग एक साथ देते हैं, हज़ारों ऑफस्प्रिंग एक साथ देते हैं, पर उन ऑफस्प्रिंग्स में से कुछ ही हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं। इन्होंने एक छोटी सी बात कही कि ओवर प्रोडक्शन में इन्होंने ये बोला कि कई लोअर ऑर्गेनिज्म है जो एक साथ कई ऑफस्प्रिंग देते हैं, मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। एग्जांपल में उन्होंने बोला कि फीमेल सालमन फिश जो है वो एक बार में टोटल 28,000 या एक बार में टोटल 280,000 के आसपास एग्स जो है वो देती है, 280,000 के आसपास अंडे जो है वो देती है, पर उसमें से बहुत कम ही है जो सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इनके सर्वाइवल पे बात है। यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन तो देखो, पर उसमें इनका थॉट इसके पीछे ये है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को देने के बावजूद ऐसा क्यों है कि सिर्फ कुछ ही जो है वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक, सेकंड इनकी जो थ्योरी आई ओवर प्रोडक्शन के बाद, उसमें हम पढ़ते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिसके बारे में आप सबने सुना भी होगा, स्ट्रगल फॉर या स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। इसमें क्या है स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस में क्या है? एग्जिस्ट करने के लिए, जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा या स्ट्रगल करना पड़ता है। ये एक सिंपल सी थ्योरी, सिंपल सा थॉट जो कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं और हमें ये चीज पता है। और इन्होंने ये सालों पहले ये चीज़ बोली, 150 साल पहले के अप्रोक्स ये बात इन्होंने बोली स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के बारे में। मतलब कि डार्विन के अनुसार फूड जो है या फिर जो रिसोर्सेज हैं या फिर जो ज़मीन है, जगह है, वो कांस्टेंट है, या फिर फूड एंड स्पेस, स्पेस मतलब लैंड या फिर ज़मीन, ये क्या है? कांस्टेंट है। या फिर इसको एक और टर्म यूज़ कर सकते हो यहाँ पे कि लिमिटेड है, लिमिटेड है फूड और स्पेस, लिमिटेड है ना, अनलिमिटेड ऐसा तो है नहीं कि बस खाए जाओ हर दुनिया का हर आदमी बहुत सारी फूड, ऐसा नहीं होता। स्पेस, फूड, रिसोर्सेज ये लिमिटेड होते हैं, एक समय के बाद हो सकता है वो ख़त्म हो जाए। हम आज भी बात करते हैं ना इस चीज़ में, ऐसे ही ये इवोल्यूशनरी थ्योरी से रिलेटेड कितनी सारी अलग अलग चैप्टर्स, कितने सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स चालू हो गए सिर्फ इन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए। तो फूड और स्पेस जो है वो कांस्टेंट है, डार्विन ने ये बोला। तो
जो भी एनिमल्स हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो सरवाइव करना चाहते हैं, उनको इसके लिए कॉम्पीट करना पड़ेगा। मतलब उनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि ट्रॉफी एक है, खेलने वाली टीमें पांच है, तो पांचों को भिड़ना पड़ेगा ना, तब जाके किसी एक को ट्रॉफी मिलेगी जो सबसे मजबूत होगा। वही इन्होंने यहाँ पे बोला स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में कि, वैसे स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस की बात ये थी कि सब जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको कम्पीट करना पड़ेगा ताकि जो सबसे बेस्ट हो उसको फूड, स्पेस और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो सके, ठीक है। और इसी कंपटीशन को जो है हम यहाँ पे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे जो कंपटीशन है, यहाँ पे जो इन्होंने कंपटीशन बोला वो किस किस के बीच में हो सकता है, कंपटीशन जो है वो इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है और कंपटीशन जो है वो इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है, इंट्रा स्पेसिफिक और यहां पे इंटर स्पेसिफिक। तो कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक मतलब एक ही स्पीशीज के, एक ही पॉपुलेशन के दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, जो कभी कभी देखो अगर दो कुत्ते खड़े हो और तुम एक क्या कहते हैं बिस्किट डाल दो, दोनों में से जो ज़्यादा भौंकेगा, ज़्यादा गुर्राएगा, ज़्यादा ताकत जिसमें होगी वो बिस्किट खा लेगा, ये होता है। तो ये आप तो डेली बेसिस पे देख सकते हो, एक ही स्पीशीज़ के बीच में लड़ाई हो सकती है, कंपटीशन होता है, उसमें जो ज़्यादा मजबूत होता है वो प्राप्त करता है, उसको चीज़ें प्राप्त होती है, ठीक। इंटर स्पेसिफिक मतलब अलग अलग पॉपुलेशन के बीच में, दो अलग अलग पॉपुलेशन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आ सकते हैं, अलग अलग उनके अंदर कैरेक्टर होंगे। तो इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में कौन सी ऐसी पॉपुलेशन है जो ज़्यादा बेटर उस जगह सर्वाइव कर सकती है, वो हो जाएगी, मतलब कि वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में जीत जाएगी, उसका स्ट्रगल बेटर होगा और वो जो है उसको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और वो जीत जाएगी और उसको जो सहूलियत है या जो रिसोर्सेज है वो मिल जाएंगे या उनका लाभ मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सेम चीज़ है जो अभी हम यहाँ पे बोल रहे थे कि भाई स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, हमने ये बात कर ली कि रिसोर्सेज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रगल इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है, एक ही पॉपुलेशन एक ही स्पीशीज़ के बीच में, और इंटर स्पेसिफिक भी होता है अलग अलग स्पीशीज अलग अलग पॉपुलेशन के भी बीच में। उसके बाद स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में जो कंपटीशन होता है उसमें जो ज़्यादा फिट होगा, उसमें जो ज़्यादा जिनके अंदर जो फेवरेबल वेरिएशन होगा उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के प्रति, वो सर्वाइव कर जाएगा। और जो क्या कहते हैं जिसके अंदर वो स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होंगी जो रिक्वायर्ड हैं उस पर्टिकुलर जगह के लिए, वो वहाँ से पेरिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा, एक समय के बाद वो विलुप्त हो जाएगा। आप सोचो कि एक पॉपुलेशन है, कुत्ता है एक जगह और एक जगह बिल्ली है, हाँ, एक ही पॉपुलेशन में 1,000 कुत्ते 1,000 बिल्ली है, हर दिन वो लोग लड़ते झगड़ते हैं और हर दिन, मतलब ये पता है कि हाँ एक ही साथ रहते हैं दोनों, कुत्ते भी हैं बिल्ली भी हैं, 1,000 कुत्ते 1,000 बिल्ली, और हर दिन उनके बीच में लड़ाई होती है और हर बार ऐसा होता है कि कुत्ते जो हैं वो दो तीन बिल्लियों को मार देते हैं। तो एक समय के बाद क्या होगा, एक समय के बाद सिर्फ ये रह जाएंगे और ये नहीं रह पाएंगे, क्यों, क्योंकि कोई ना कोई एक फैक्टर है जिसमें ये इससे कमज़ोर है। इसी कारण से जो कमज़ोर होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जो फिट होगा जो मजबूत होगा वो सर्वाइव कर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पे इनका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के पीछे, ठीक है। उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बाद, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बाद अगर अपन बात करें तो फोर्थ और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या है, इतनी सारी चीज़ें जो हो रही है,
जो अपन बोल रहे हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हो रहा है, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हो रही है ये किसके अंडर में हो रही है, कौन है इन चीज़ों का गार्जियन, कौन गाइड कर रहा है इन चीज़ों को, कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, नेचर। ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, सब नेचर कंट्रोल कर रही है, हम सब नेचर के अंडर में है। आज हम इतनी चीज़ें कर रहे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, पर नेचर चाहे तो ये सब ख़त्म हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें नेचर कंट्रोल कर रही है। तो फिटनेस और अनफिटनेस, कौन सा ऑर्गेनिज्म फिट है, सर्वाइव करने लायक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म फिट नहीं है, सर्वाइव करने लायक नहीं है, ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये नेचर डिसाइड कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है एनवायरनमेंट के द्वारा या फिर नेचर के द्वारा डिसाइड की जाती है। एनवायरनमेंट है तो वो एक तरह से यहाँ पे सिलेक्टिंग फोर्स है, मतलब सिलेक्शन करने का काम एनवायरनमेंट करेगी। एनवायरनमेंट इज द सिलेक्टिंग फोर्स। जिस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म रह रहा है, एक्चुअली एलिजिबिलिटी क्या है, उस एनवायरनमेंट को सर्वाइव कर जाना। आपके पास टारगेट क्या है, वो एनवायरनमेंट है जो आपका टारगेट, मतलब कि एनवायरनमेंट की एनवायरनमेंट आपको जो कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है आपको उसमें सर्वाइव करना है, मतलब जो असल चैलेंज है वो है आपको इसको फेस करना, इस एनवायरनमेंट को फेस करना, और इसको अगर आपने फेस कर लिया और यहाँ पे आप सर्वाइव कर गए तभी आप लाइफ में सर्वाइव कर सकते हो। अदर देन दैट कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता, नेचर के सामने कौन ही टिक पाएगा, कोई नहीं टिक सकता। तो नेचुरल सिलेक्शन में ये बात बोली गई कि जो भी चीज़ हो रही है सर्वाइवल के, जो सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट की थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये सब को कंट्रोल कौन करता है, ये सब को सेलेक्ट कौन करता है, नेचर, एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि ये जो एनवायरनमेंट है ये उन ऑर्गेनिज्म को चूज़ करता है, उन ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने देता है जो कि फेवरेबल वेरिएशन के साथ हैं, मतलब जो कि जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं इस एनवायरनमेंट में जीना, इसके अनुरूप जीना। एक तरह से समझो कि एक घर है, उस घर में कुछ लोग रहते हैं, एक घर है जिसमें 5 लोग रहते हैं और जो सबसे बड़े हैं एज में वो हैं जिनके अंडर सबको रहना है, वो जो बोलेंगे वो करना है, वो जो मतलब क्योंकि वो वही एक हैं जो आपको सब कुछ प्रोवाइड करा रहा है, सारी प्रॉपर्टी उन्हीं की है, खाना पीना सब आपको वही प्रोवाइड करा रहा है और जो वो बोलेंगे वही करना है। तो यही काम यहाँ पे इन्वायरमेंट का है। आप इन्वायरमेंट से इन्वायरमेंट को हल्के में नहीं ले सकते। अब इस घर में भी जो इंसान यहाँ पे, इनके अलावा 4 लोग और हैं, ये 4 लोग इनकी बातें मानते हैं तब जाके ये लोग घर में हैं। भले ही ये आपस में कितने ही मजबूत हो, कितने ही कमज़ोर हो, ये तो सेकेंडरी मैटर है, बस प्राइमरी मैटर है कि सब के सब इनकी बात माने। किसी 5वें आदमी को भी यहाँ पे सर्वाइव करना है तो वो इनकी बात मानना चाहिए, और मानने का मतलब इन्वायरमेंट के केस में होता है कि उनकी जो भी क्राइटेरिया है सर्वाइव करने का उस पे आपको खरा उतरना पड़ेगा। अगर ये इन्वायरमेंट की डिमांड है कि यहाँ पे 20 डिग्री टेम्परेचर ही रहेगा और आपको ऑर्गेनिज्म को उसी पे सर्वाइव करना पड़ेगा, तो अगर आप 20 पे नहीं सर्वाइव कर सकते आप इस घर में नहीं रह सकते, आप इस इन्वायरमेंट के लायक नहीं हो, आपको वहाँ से जाना पड़ेगा। आज नहीं जाओगे, कल जाओगे, आपका अगला जनरेशन जाएगा, पर कभी ना कभी आप वहाँ से ख़त्म हो जाओगे, विलुप्त हो जाओगे उस पर्टिकुलर जगह से, हो सकता है इस पूरी धरती से विलुप्त हो जाओ, और ऐसा कई बार हुआ है, कई ऑर्गेनिज्म के साथ हुआ है। तो नेचुरल सिलेक्शन मतलब ये चीज़ स्टेट कर दी गई, ये चीज़ साफ साफ बता दी गई कि जो सबसे बड़े पद पे है वो नेचर है, एनवायरनमेंट है, वही सब कुछ डिसाइड करता है, डिसाइडिंग फैक्टर जो है एनवायरनमेंट है। फिर बात आती है वेरिएशन की, फिर एक बात आती है वेरिएशन की, चेंजेस, वेरिएशन किसी चीज़ में आना, किसी दो इंडिविजुअल के बीच में या एक इंडिविजुअल में डिफरेंस आना। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस है, इन्होंने बोला कि दो इंडिविजुअल अलग अलग रहते हैं, ऐसे कोई भी दो इंडिविजुअल नहीं जो पूरी तरह से एक तरह से, तो इन्होंने यही बोला वेरिएशन के तौर पे कि भाई अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, तो वेरिएशन में बोलने का इनका साफ स्पष्ट मतलब ये था। तो अब इस चीज़ से ये हुआ कि
दो इंडिविजुअल हैं यहाँ पे, या हजार हैं, लाख है, कितने भी हैं, पर सबके अंदर कुछ न कुछ अंतर डिफरेंस ज़रूर होगा। अब वो डिफरेंस इन्वायरमेंट के प्रति फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, वही डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि ये ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि वेरिएशन जो है हर ऑर्गेनिज्म में, मैं अलग हूँ, कोई और अलग है, उसके अलावा कोई और अलग है, तो जो दो इंडिविजुअल अलग अलग हैं उनमें ज़्यादा फिट कौन है, ज़्यादा सर्वाइव अच्छे से कौन कर सकता है, वही जो है सर्वाइव कर पाएगा इन्वायरमेंट में, अदरवाइज कोई और सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और एक फाइनल पॉइंट आता है यहाँ पे, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, नए स्पीशीज की ओरिजिनेशन कहाँ से होती है, कैसे होती है। तो अभी हमने ऊपर देखा कि अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग हैं। जब अलग अलग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में जाते हैं ना, अब जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल कोई डिफरेंस ऐसा तो नहीं है कि 99% तक का डिफरेंस है, हो सकता है 0.1% कोई किसी से डिफरेंट हो सकता है 0.2% कोई डिफरेंट हो सकता है 0.3% कोई डिफरेंस, इतना भी हो सकता है, कोई 5% डिफरेंट होगा, कोई 10% डिफरेंट होगा, इतना ही डिफरेंस होगा। जब इतना डिफरेंस होगा तो ऐसा तो है नहीं कि पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो आदमी या वो ऑर्गेनिज्म थोड़े टाइम भी सर्वाइव ना कर पाए, ऐसा तो नहीं होगा, कुछ समय तो वो सर्वाइव करेगा। और जब आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हो जो आगे आने वाले समय में या कभी ऐसा आपके लिए शायद अनफेवरेबल हो सकता है, तो आपके अंदर आती है एडप्टेशन, आपके अंदर आते हैं चेंजेस, उस इन्वायरमेंट के प्रति चेंजेस आते हैं। आप अगर उस इन्वायरमेंट सर्वाइव करना चाहते हो सकता है कि आपके अंदर चेंजेस आए, आप नहीं सर्वाइव कर पाओ, हो सकता है आपके आने वाली जनरेशन के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आए जो कि सर्वाइव कर जाए, हो सकता है उसके और आने वाले कोई नेक्स्ट जनरेशन में कोई ऐसा चेंजेस आए जो कि इस नेचुरल के नेचर के एकदम होता है ना, एक नेचर जैसा ही हो, तो बहुत आराम से इस नेचर में, इस एनवायरनमेंट सर्वाइव कर जाए। वहाँ से ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट आया कि कई ऑर्गेनिज्म हैं जिनको देखा गया है कि भाई उनके एंसेस्टर्स शायद इस पर्टिकुलर जगह पे सर्वाइव नहीं कर सकते थे, पर उनके जो ऑफस्प्रिंग है वो उस जगह पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा हो सकता है कि कोई कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो उनके अंदर धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे, पर वो उतने डेवलप नहीं हो पाए जितने उनके ऑफस्प्रिंग में, क्योंकि उनसे उनके ऑफस्प्रिंग में वो कैरेक्टर गया और बचपन से उसके अंदर वो कैरेक्टर आया, तो ग्रो करते करते उसके अंदर वो कैरेक्टर पर्याप्त मात्रा में था, इतना था कि वो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर गया। और ऐसे ही नए स्पीशीज़ की उत्पत्ति होती है क्योंकि इस स्पीशीज़ के पास इससे अलग कैरेक्टर है। जब एक ही कैरेक्टर होते तो वो एक स्पीशीज़ में हम बेसिकली रखते हैं, पर जब कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गए तो यहाँ पे स्पीशीज़ भी हम बोलेंगे कि एक नई स्पीशीज़ की उत्पत्ति हुई है, एक नई स्पीशीज़ का पता चला। तो ये बेसिक थ्योरी थी डार्विन की। डार्विन ने ये थ्योरी दी पूरी की पूरी कि इवोल्यूशन जो है उसका कंसेप्ट क्या है। बेसिकली हम ये देखते हैं डार्विन की थ्योरी में कि उन्होंने इस बात को तो स्पष्ट कहा है कि जो हो रहा है वो एनवायरनमेंट के अंडर में हो रहा है, एनवायरनमेंट इस चीज़ को कंट्रोल करती है। तो एनवायरनमेंट के प्रति जो एनवायरनमेंट को एनवायरनमेंट में सर्वाइव वही कर पाएगा जो कि उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो कर पाएगा, या फिर उसकी जो क्राइटेरिया है उसके मापदंड जो है उस पर खरा उतर पाएगा। तो ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट था, इवोल्यूशनरी थॉट था डार्विनिज्म का, चार्ल्स डार्विन का। सो आज का वीडियो बस इतना ही है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपने नोट डाउन। अब देखो क्या होता है ना कि डार्विनिज्म एग्ज़ाम में ये आ जाता है कि आप चार्ल्स डार्विन की थ्योरी या डार्विनिज्म को एक्सप्लेन करो, मैंने तो इसको ऐसे बताया, पर ये अगर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, तो आपके पास इतने इनफ वोकैबुलरी होनी चाहिए कि आप इसको अच्छे से लिख सको, इन चीज़ों को एक एक्सप्लेन एक्सपेंड फॉर्म में उसको समझा सको कि एक एक पॉइंट में इन्होंने क्या बोलने की कोशिश की है, क्या समझाने की कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ें जब डिटेल में आपको आंसर बनाना पड़ता है, आंसर हमेशा है ना, जब ऐसे टॉपिक्स हम पढ़ते हैं तो आंसर बनाना पड़ता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें नेचुरल सिलेक्शन को आप चाहो तो दो लाइन में भी समझाते हो, चाहो तो आप उसको दो पेज में भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी मेंटल कैपेबिलिटी कहाँ तक जा रही है और आपने इस चीज़ को किस तरीके से समझा है और कितने अच्छे से आप सामने वाले एग्जामिनर को समझा सकते हो। तो ये जो एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसमें ऐसे कई बार क्वेश्चन आते हैं, लगभग हर बार, कि डार्विन की थ्योरी, लेमार्क की थ्योरी, उसको भी हम आगे लेमार्क की थ्योरी को भी हम पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों को आप
एक्सप्लेन करिए। तो जब एक्सप्लेन करना है तो उसको अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट एक एक चीज़ लिख के कि क्या बोला जा रहा है हर चीज़ में, क्या इवोल्यूशनरी थॉट है इनका, कैसे इवोल्यूशन हो रहा है ऑर्गेनिज्म का, इन चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से लिखना, तभी जाके ये अच्छे नंबर दे के जाएगा। क्योंकि बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, ईजी कॉन्सेप्ट है, समझना बस पड़ेगा इसकी डिटेल्स को। जब डिटेल समझ जाओगे वर्ड्स अपने आप मिलेंगे और आप उसको एक आंसर के फॉर्म में अच्छे से लिख पाओगे। सो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।